जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमारे पास मारुति कंपनी की स्विफ्ट डिजायर डीजल गाड़ी आई हुई है। इसमें फ्रेंड प्रॉब्लम क्या है कि जब कस्टमर गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इंजन का जो चेक लाइट आता है वो कंटिन्यू मीटर पे रहता है, वो जाता नहीं है। फ्रेंड इसमें क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद सारी लाइटें जो है ऑटोमेटिक चले जानी चाहिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड, जैसा कि हमने इंजन ऑन किया है, देख सकते हैं इंजन ऑन करने के बाद कितनी सारी लाइटें आ रही है। तो फ्रेंड जब गाड़ी अब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते ही ये सारी लाइटें ऑटोमेटिक चले जानी चाहिए, क्योंकि ये ऑयल लाइट है, देख सकते हैं ऑयल लाइट भी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिक चला जाना चाहिए। चेक लाइट है इंजन का, ये भी ऑटोमेटिक चला जाना चाहिए। बैटरी लाइट, आपका जो भी एयरबैग का लाइट, जितनी भी सारी लाइटें हैं सारी ऑटोमेटिक चली जानी चाहिए। लेकिन इसमें फ्रेंड सारी लाइटें नहीं जाती है, इसमें एक जो लाइट है इंजन चेक लाइट वो कंटिन्यू मीटर पर रहता है। तो हम आपको दिखाते हैं गाड़ी स्टार्ट करके, ये देख सकते हैं अब हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए हमने गाड़ी स्टार्ट किया, देख सकते हैं इसका जो इंजन का चेक लाइट है वो कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है, कंटिन्यू मीटर पे है। देखिए हम रेस भी कर रहे हैं, देखिए हमारा आरपीएम का काटा भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड हम सबसे पहले तो इसको स्कैनिंग करेंगे और स्कैनिंग करके फिर इसको चेक करेंगे कि इंजन का जो चेक लाइट है वो कंटिन्यू क्यों मीटर पर रहता है, वो चेक लाइट जो आ रहा है उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है गाड़ी में, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो सारी डिटेल हम इसमें देंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका स्कैनिंग करेंगे, स्कैनिंग करके फिर स्कैनर में आपको इसका फोल्ड बताते हैं कि क्या फोल्ड है और उसका क्या सोल्यूशन निकालेंगे, हम वो आपको हम करके दिखाते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमने इसका स्कैनिंग लगाया हुआ है, तो हम इसका स्कैनिंग करेंगे और आपको फोल्ड कोड बताएंगे कि क्या फोल्ड कोड है, कि इसका चेक लाइट आ रहा है। ये देख सकते हैं फ्रेंड, एयर माइस सेंसर का फोल्ड आ रहा है, तो हम इसका एयर माइस सेंसर चेक करेंगे नहीं तो इसको रिप्लेस करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड हमने आपको दिखाया था कि हमारा स्कैनर में एयर माइस सेंसर का फोल्ड कोड आ रहा है, तो हम आपको बताएंगे कि एयर माइस सेंसर कहाँ पे आता है। देख सकते हैं फ्रेंड, ये इसका एयर माइस सेंसर है, इसका ही फोल्ड कोड आ रहा है। तो हम इसको पहले तो फिलहाल खोल के ओपन करके चेक करेंगे इसके अंदर कोई कचरा वचड़ा तो नहीं है, क्योंकि कचरा वचड़ा होने के बाद भी इसमें फोल्ड कोड चेक लाइट आ सकता है। तो हम सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड इसको ओपन करने से पहले इसका माइनस का या प्लस का कोई भी बैटरी वायर ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड क्या होता है, कोई भी सेंसर आप सॉकेट निकालते हैं अगर बैटरी वायर लगा रहेगा तो आपको उसमें चेक लाइट आ जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं ये सेंसर का सॉकेट है, हम इसको ओपन करने वाले हैं, तो इसलिए हम इसका बैटरी वायर देख सकते हैं ओपन कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हम इसका सॉकेट ओपन करते हैं। तो फ्रेंड हमने एयर माइस सेंसर ओपन कर लिया है, हम आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड इसमें हमने चेक किया है, कोई भी कचड़ा उचड़ा नहीं है, देख सकते हैं ये देख, दोनों बाजू हम आपको दिखाते, देखिए इसमें बिल्कुल भी कचड़ा नहीं है। तो फ्रेंड हमारा एयर माइस सेंसर का ही प्रॉब्लम है, तो हमें इसका एयर माइस सेंसर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड अभी फ़िलहाल हमारे पास एयर माइस सेंसर नहीं है अवेलेबल, तो अब अभी हम दुकान में जाएंगे, वहाँ से एयर माइस सेंसर लेके आएंगे और इसमें आपको फिट करके दिखाएंगे। देख सकते हैं क्योंकि इसका फ्रेंड हमने वायरिंग भी चेक किया है, इधर देखिए इसका वायरिंग में हमने वायरिंग भी चेक किया है, क्योंकि वायरिंग का भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वायरिंग का प्रॉब्लम रहेगा तो फ्रेंड क्या होता है, स्कैनर से जब हम फोल्ड कोड क्लियर करते हैं तो अगर आपका वायरिंग ब्रेक रहेगा या कटा रहेगा तो फोल्ड कोड क्लियर नहीं होगा, आपका मीटर पर से चेक लाइट जाएगा नहीं। तो हमने इसको क्लियर करके चेक किया था तो हमारा मीटर से चेक लाइट भी चला गया है और अपना क्लियर भी फोल्ड हो गया है। तो इसके लिए इसका एयर माइस सेंसर का ही प्रॉब्लम है, तो हम इसका एयर माइस सेंसर रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करके आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था इसका एयर माइस सेंसर का प्रॉब्लम है, ये देख सकते हैं ये इसका एयर माइस सेंसर है नया, फ्रेंड देख सकते हैं मारुति का जेन्युइन पार्ट है ओरिजिनल। तो हम आपको इसको ओपन करके दिखाते हैं, ये देखिए
सकती हो फ्रेंड, ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड अब हम इसको फिट करेंगे और फिट करके और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे कि इसका ऑटोमेटिक चेक लाइट जाना चाहिए फ्रेंड। तो हम इसको अब गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। और एक बात याद रखिएगा फ्रेंड, देखिए नए एयरमाई सेंसर में इसका रिंग नहीं आता है, तो आप उस बात को ध्यान दीजिएगा। तो जूना जो एयरमाई सेंसर है उसमें से हम रिंग निकाल के दिखाएंगे। ये देखिए, ये इसका जूना एयरमाई सेंसर है और ये इसका नया एयरमाई सेंसर है, ठीक है। तो इसमें से हम इसका रिंग निकालेंगे। ये अगर आप फ्रेंड ये रिंग नहीं लगाएंगे तो आपका यहाँ से कंप्रेसर लीक होएगा, तो आपका पिकअप में प्रॉब्लम देगा, तो इस बात को कभी भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम इसको फिट करते हैं नए एयरमाई सेंसर को। तो फ्रेंड ये हमारा एयरमाई सेंसर फिट हो चुका है। अब हम इसका बैटरी वायर लगाएंगे। अब बैटरी वायर लगा कर फिर गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं कि हमारा ऑटोमेटिकली चेक लाइट इसका जाता है कि नहीं मीटर से। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये आपका मीटर है, ये हम चाबी देखे लगा रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, अब हम आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं कि हमारा जो चेक लाइट का प्रॉब्लम था वो ऑटोमेटिक जाता है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं, ये हमने गाड़ी स्टार्ट कर दिया है। देख सकते हैं जो हमारा चेक लाइट आ रहा था वो ऑटोमेटिक चला गया है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें हमारा जो एयरमाई सेंसर का था उसका ही प्रॉब्लम था, हमने आपको सामने फिट करके दिखाया है। और एक बार आपको बंद चालू करके दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, जैसे हम गाड़ी चालू करते हैं वैसे ऑटोमेटिक हमारा चेक लाइट चला जा रहा है। तो ये गाड़ी हमारा ओके हो चुका है, चेक लाइट जो का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है। एक बार और हम आपको दिखाते हैं, देखिए, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज का ये हमारा वीडियो था चेक लाइट का, तो हमने इसमें एयरमाई सेंसर रिप्लेस किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।